नमस्कार, मैं रोहित कुमार, आप न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं। चंद्रयान 2 जिसको लेकर के देश भर के लोग लगातार रात भर इंतजार करते रहे कि वो चांद की सतह पर जाएगा, लेकिन लगभग 2 किलोमीटर की दूरी से पहले उसका संपर्क इसरो सेंटर से टूट गया। हालांकि चंद्रयान 2 अभी भी जो है वो सक्रिय है और चंद्रमा के ऑर्बिट में है, और ऐसा करने वाला भारत दुनिया का 5वां देश बन गया है जहां चांद तक इसकी पहुंच हो गई है। लेकिन देखिए, इसको लेकर के पाकिस्तान में किस तरीके से की जो सड़क छाप प्रतिक्रिया है वो आ रही है, उसने भारत को इंडिया को आई की जगह पे इंडिया यानी कि जो इंड हो रहा है उस तरीके से संबोधित करने की कोशिश की है। ये हैं चौधरी फवाद हुसैन जो कि पाकिस्तान सरकार में मंत्री हैं। अमूमन इनके बेहुदा जो बातें हैं इनकी वो हमेशा सामने आती रही हैं भारत को लेकर के, चाहे वो आर्टिकल 370 का मसला हो या फिर भारत में कोई दूसरा मामला हो, तमाम मामलों में ये इस तरीके के बयान देते रहे हैं। देखिए, चंद्रयान 2 पर इन्होंने बैक टू बैक कुछ ट्वीट्स किए हैं, आपको उन तमाम चीज़ों के बारे में हम दिखाएं। ये एक उर्दू में ट्वीट है, उसको उसके पहले देखो यहाँ पे आते हैं। देखिए, ये लिख रहे हैं कि डियर इंडिया, आप इसको थोड़ा क्लिक कर रहे हैं कि वो उन्होंने लिखा है कि डियर इंडिया, इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग मनी ऑन इंसान मिशन एज ऑफ चंद्रयान और सेंडिंग इडियट लाइक अभिनंदन फॉर T2 क्रॉस LOC, और इस तरीके से उन्होंने लिखा है कि भारत जो है वो पैसा बर्बाद कर रहा है, भारत को इंडिया को उन्होंने अपने ट्वीट में इंडिया लिखा है। और देखिए, इस तरीके से उस पर जो है लगातार कमेंट्स आ रहे हैं। और देखिए, कुछ जो ट्रोल हैं वो किस तरीके से वो हो रहे हैं कि उनको देखिए। अब दुष्यंत शर्मा लिखते हैं यहाँ पे कि अब तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, भेज दो अपने भिखारी खान को जो पाकिस्तान सरकार को भारत में खेले गए क्रिकेट वर्ल्ड कप के पैसे से चला रहा है। हमने तो रूस को पैसे देने का वादा कल ही दिया है, हम प्रधानमंत्री मोदी जी दयावान हैं, तुमको भी भीख में दे ही देंगे भिखारियों। इस तरीके के जो ट्रोल जो कमेंट्स हैं वो आए हैं। ये प्रभात शर्मा है, कोई लिखते हैं वल्ला चांद पे भी। और देखिए, इस तरीके से जो है कुछ अलग अलग तरह के जो कमेंट्स से ट्वीट हैं। देखिए, यहाँ पर डॉक्टर महिमा अरोड़ा हैं, उन्होंने इमरान खान की तस्वीर बनाई है और चांद पर वो भीख का कटोरा लेकर के भीख मांगते हुए नज़र आ रहे हैं, इस तरीके का ट्रोल है फवाद के का जो ट्वीट आया उसके बाद। देखिए, दूसरा ट्वीट किया है फवाद हुसैन ने, वो लिखते हैं इस ट्वीट में कि मोदी इज गिविंग भाषण ऑन सेटेलाइट कम्युनिकेशन एज ही इज एक्चुअली एस्ट्रोनॉट एंड नॉट पॉलिटिशियन, लोकसभा शुड आस्क हिम क्वेश्चन ऑन वेस्टिंग 900 करोड़ फॉर रुपीज फॉर अ पुअर नेशन। मतलब कि ये कहने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान अपने इस ट्वीट में, उसका जो मंत्री है फवाद हुसैन, वो ये कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो भाषण जो आज भाषण दिया है इसरो के अंदर में, वो एस्ट्रोनॉट की तरह बिहेव कर रहे हैं, वो कोई नेता नहीं है। लोकसभा जो है वो सवाल पूछे कि गरीब देश में 900 करोड़ रुपये जो है किस तरीके से बर्बाद किए गए। लेकिन आपको बताएं कि पाकिस्तान ये भूल गया है कि भारत से करीब 8 साल पहले जिस पाकिस्तान ने स्पेस प्रोग्राम शुरू किया है, वो आज भारत के मुकाबले कहीं नहीं खड़ा है। भारत दुनिया के 5 शीर्षस्थ देशों में शामिल है, लेकिन फवाद हुसैन को कौन समझाए कि वो जो है उनका देश है वो टॉप 10 में कहीं नहीं आता है। पाकिस्तान की बौखलाहट है जो इस तरीके से जो बेहुदा ट्वीट्स हैं वो एक के बाद एक उनकी तरफ से आए हैं। और देखिए कि भारत भले ही इंतज़ार कर रहा था चंद्रयान को लेकर के, लेकिन फवाद हुसैन भी नहीं सोए हैं, और रात के 9 घंटे पहले यानी कि रात में 2 बजे 3 बजे जग के उन्होंने ट्वीट्स किए हैं। और देखिए, यहाँ पे एक ट्वीट किया है कि उफ रियली आई मिस दैट ग्रेट मोमेंट इंडिया फेल्ड, और अब फिर लिख रहे हैं यहाँ एक और ट्वीट है कि सो जा भाई मून की बजाय मुंबई में उतर गया खिलौना, और इस तरीके से फवाद हुसैन लिख रहे हैं। फवाद हुसैन की जो बेहुदा बातें हैं वो हमेशा से सामने आती रही हैं, इससे पहले भी कई बार इस तरीके से अपने बयानों की वजह से वो ट्रोल होते रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान शायद ये भूल गया है कि इसरो के मुकाबले में जो उनका स्पेस प्रोग्राम है वो आज कहीं स्टैंड नहीं करता है। भारत के तमाम लोग चंद्रयान 2 को लेकर के रात भर जग रहे थे, लेकिन पाकिस्तान भी जगा हुआ था, और उसकी जो बेचैनी है वो उसके इस तरीके सड़क छाप जो ट्वीट से उसके सहारे उसने कहने की कोशिश की, जिसके बाद फवाद हुसैन लगातार ट्रोल हो रहे हैं। अधिक अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ फाउंडेशन। नमस्कार।